आईपीएल के दूसरे लेग के शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी एक बड़ी दिक्कत दूर कर ली है। जैसा कि इनसाइड स्पोर्ट्स आपको पहले ही बता चुका है कि ऋषभ पंत ही दिल्ली के कप्तान बने रहने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने खुद अब इस बात पर मुहर लगा दी है। कुछ दिन पहले तक हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि श्रेयस अय्यर को क्या फिर से टीम की कमान सौंपी जा सकती है। खबर ये है कि टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर से इस निर्णय से पहले बातचीत की है। जब से श्रेयस अय्यर कंधे की चोट से रिकवर होकर वापस आए हैं, तब से ही ये बातें चल रही हैं कि क्या अब दिल्ली की टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे या श्रेयस अय्यर। तो फाइनली दिल्ली ने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब आईपीएल के दूसरे लेग में ऋषभ पंत ही दिल्ली के कप्तान रहेंगे। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार खेल दिखाया है। पॉइंट टेबल पर टॉप में बनी हुई है दिल्ली। ने अभी तक 8 मैच खेले हैं और 12 पॉइंटों के साथ सबसे ऊपर है। तो शायद दिल्ली टीम के मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि जीत की इस लय को ना छेड़ा जाए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाए रखा जाए।